सो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 75 से 80% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे फिजिक्स थर्ड पेपर के बारे में। फिजिक्स का थर्ड पेपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ये ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम देते वक्त इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा आप लोग, 100% मैं बता रहा हूं, जरूर से जरूर आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला जाता है आपका। पहला हम बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड कॉम्पटन इफेक्ट से। ये चैप्टर हम जब पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है हमारा, प्लांक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन। ये आपको पढ़ के जाना है, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है, इसलिए आप इसकी डिफिनीशन पढ़ के ही जाना है। अगला आपका पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। आपको डिफरेंस दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको टाइप कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार पूछा जाता है कि इनके फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, 2-3 डिफरेंस आपको दिखाने पड़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, आप लिख लीजिए 90% ये आना ही आना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई कॉम्पटन शिफ्ट इज नॉट ऑब्जर्व विथ विजिबल लाइट। क्यों जो कॉम्पटन होता है शिफ्ट इज नॉट ऑब्टेंड विथ विजिबल लाइट के साथ, क्यों नहीं ये शिफ्ट होता है। सो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप न जानते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, वहां पर क्लिक कीजिए। हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड कॉम्पटन इफेक्ट, आपको टोटल यहाँ के क्वेश्चन मिलेंगे। सो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो ये तो पक्का है, ये तो आना फिक्स है, ये आप ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कॉम्पटन इफेक्ट से आया, मतलब फर्स्ट चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग में, तो यही वाला क्वेश्चन ही आएगा अगर फर्स्ट से आया तो। और ज़्यादातर 90% ये बताया जा सकता है कि फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन ये वाला उठता ही उठता है, कॉम्पटन इफेक्ट का। सो आप पढ़ लीजिए कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जितने भी हैं, एक्सप्रेशन द चार्ज इन वेवलेंथ एंड ए फोटॉन व्हेन इट इज स्कैटर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कॉम्पटन इफेक्ट हमने पढ़ाया है, वहां पर जाकर देख लीजिए, टोटल आपको समझ में आ जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी हम जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। आपको जी थॉम्सन, देखिए थॉम्सन एक्सपेरिमेंट जानते हो आप, बात करेंगे जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या, जीपी उनका पूरा नाम है, जीपी थॉम्सन उनका पूरा नाम है, ये जीपी जैसे शॉर्टकट में लिखते नहीं है वैसे ही। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट बाय डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव। मतलब मैटर वेव का डी ब्रॉगली थ्योरी के सपोर्ट में आपको थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट लिखना है। सो हमने बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाइए चेक कीजिए, पढ़िए अच्छे से, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं और हमें भी अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन देम। आपको ग्रुप वेलोसिटी पढ़ के जाना है, ये चीज़ फेज वेलोसिटी पढ़ के जाना है, और इन दोनों में रिलेशन भी पढ़ के जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। या तो आपको ग्रुप वेलोसिटी दे देता है या तो आपको फेज वेलोसिटी दे देता है, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अगला चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इसमें के जितने भी हमारे डेरिवेशन हैं थोड़ा लंबे जरूर हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ये हम बताएंगे इसमें। तो आपको पहले इसमें शार्ट कौन सा पूछ लेता है, जो कि एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये भी आपको पूछता है। सो इसको हम इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखें कि ये बहुत ही दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनली ऑफ वेव फंक्शन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तीन के तीनों को आपको रट के जाना है, तीन के तीनों रट लीजिए। अगर न याद हो रहा हो आपको तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको दिया जा रहा है,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन खोलिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। लिंक में किस प्रकार का मिलेगा आपको, हम प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, वहां पर फिजिक्स थर्ड पेपर मिलेगा, वहां से आप स्क्रॉल करेंगे टोटल आपको हर एक चैप्टर मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है आपका टूनल इफेक्ट। टूनल इफेक्ट क्या होता है ये हमने पढ़ाया है। टूनल इफेक्ट कई बच्चों को याद भी होगा क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे सभी बच्चों को समझ में आया था। अगर आप नए बच्चे हो आप जरूर जाकर पढ़िए क्योंकि टूनल इफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इरन फिश थ्योरम, देखिए भैया 53 मिनट की वीडियो हमने इसलिए बनाई थी, कई बच्चे कमेंट भी किए थे सर एक घंटे की वीडियो आप बनाएंगे तो एक क्वेश्चन करने में एक घंटे लग जाएंगे। देखिए आपको एक घंटे नहीं लग सकते क्योंकि हमको सबको समझाना होता है। कोई बच्चे तेज होते हैं, कोई बच्चे कम तेज होते हैं, कोई बच्चे कम पढ़ने में तेज होते हैं, इसलिए हमें सभी को समझाना होता है, इसलिए हम बहुत ही एक्सप्लेन करके समझ जाते हैं। सो आपको एक घंटा नहीं लगने वाला, आप इसको अगर करोगे मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, बस 15 मिनट से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में बहुत लगेगा, 20 मिनट लगेगा बस। अगला हम देख लेते हैं भाई, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है सो 20 मिनट तो देना बनता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है क्या आता है क्वेश्चन की स्टेबलाइज, मतलब स्टेबलाइज कीजिए द 3 डायमेंशन टाइम। देखिए हमने 1 डायमेंशन के लिए बताया था, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो आपको 3 डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए पार्शियल फील्ड पोटेंशियल फील्ड, तो आपको 3 डायमेंशन वाला पढ़ के जाना है। 3 डायमेंशन वाला हमने तो टोटल बताया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, तीनों इंपॉर्टेंट, बस इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशन, इस बार आने की सबसे ज्यादा चांसेस है 3 डायमेंशन वाला। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, क्या पूरे में आप सबसे ज्यादा SS एंड JJ कपलिंग ये इस बार आएगा, मैं 100% नहीं 99% कह सकता हूँ ये इस बार आएगा, ALS एंड JJ कपलिंग, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, आप स्पेस क्वांटाइजेशन से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन बाय ड्राइविंग ए सूटेबल डायग्राम, आपको सूटेबल डायग्राम से भी इसको दिखाना है, सो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंस क्वांटम नंबर, आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है एसोसिएटेड विद द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़िएगा, ना समझ में आया हो फिर से जाकर एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर भी ना समझ में आया तब कमेंट में लिखिएगा सर समझ में नहीं आया। अब हम अगला बात कर लेते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, एक्सप्लेन एक्साइटेशन। आप देखिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम नहीं किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ही 3 इसमें से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में और दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम। देखिए आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हमने आपको बताया है, सो आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ के जाइएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ के जाइएगा, ये आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन, सो इस पे टिक लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ के ही जाना है। देखिए हम इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूडेड किए हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूडेड किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये आप लोग जनरली जानते हो, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तभी से आपको बता रहा हूं पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आता ही आता है, सो इसको आप रट ही लीजिए। और हम बताते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, हमने एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसमें 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 2 क्वेश्चन में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, रमन इफेक्ट में भी 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़ाए उसमें से आप एक पढ़ लीजिएगा। सो एक्सरे स्पेक्ट्रम में क्या है, व्हाट इज मोजलेला, मोजलेला हमने आपको बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से जाइए तुरंत चेक कीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज मोजलेला। मोजलेला है क्या, डिराइव मोजलेला ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, डिस्कस द इंपॉर्टेंट। सो ये देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ये क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों के दोनों हमारे लॉन्ग ही हैं, सो आपको मोजलेला पढ़ना है और इस ला को बोर्स थियोरी के बेसिस पर इसको आपको डिराइव करना है, हमने इस क्वेश्चन को ही बताया है, सो आप जाइए जरूर देखिए। रमन इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रमन इफेक्ट ही पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा लॉन्ग में ही आता है, लॉन्ग जो रमन इफेक्ट में आपको पढ़ना है सिर्फ रमन इफेक्ट ही पढ़ना है, रमन इफेक्ट हमारा चैप्टर का नाम भी है रमन इफेक्ट, रमन के इफेक्ट से मतलब रमन ने एक इफेक्ट खोजा था, सो आप जरूर जाइए देखिए वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि रमन इफेक्ट होता क्या है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, मैथ के भी क्वेश्चन जल्द ही आ जाएंगे, मैथ के सेकेंड पेपर थर्ड पेपर के इस पेपर भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, देखते रहिएगा। बने रहने के लिए रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइबर का बटन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। सो आज के लिए बस इतना है,
फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया हो, अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया से समझ में आया हो, वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।